This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. परशुराम अवार्ड से नवाजे डॉक्टर संजय यादव ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। चंडीगढ़ के मनी माजरा स्थित इंडोर स्टेडियम में 12 जनवरी से आगे 16 जनवरी तक आयोजित हुई अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में डॉक्टर संजय यादव ने सुपर हैवी वेट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले भी संजय एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के सर्वोच्च खेल सम्मान परशुराम अवार्ड से सम्मानित हैं। वापिस आने पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी संजय यादव का विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों द्वारा स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ ने बधाई दी। कुश्ती जगत में हिमांचल कुमार और हिमांचल केसरी जैसे कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। प्रदेश शिक्षा विभाग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौड़ी में बतौर डीपीई डॉक्टर संजय यादव शारीरिक शिक्षा में पीएचडी डिग्री धारक है और अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी तौर पर और कोच के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सरकारी विभाग में अपनी बेहतर सेवाएं देने के साथ साथ कुश्ती के क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं। संजय के प्रेरणा स्रोत उनके बड़े भाई प्रदेश कुश्ती संघ महासचिव जगदीश कुमार बतौर टीम कोच इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने अपने छोटे भाई की इस उपलब्धि को बेहतर बताया। इस राष्ट्रीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में संजय ने सेमीफाइनल में चंडीगढ़ के अमित को हराया और फाइनल में दिल्ली के पहलवान अरविंद को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इससे पहले उनका मुकाबला कर्नाटक और राजस्थान और गुजरात के साथ हुआ। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कि चंडीगढ़ में 12 से 16 जनवरी 2023 को करवाई गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की तरफ से मुझे भी खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हिमाचल प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में और एक रेफरी के रूप में मैं अपनी भूमिका निभा चुका हूं और परशुराम अवार्ड से मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। हिमाचल कुमार, हिमाचल केसरी के अवार्ड मेरे नाम से सारे हैं, लेकिन मैं अभी युवाओं को सिर्फ यही एक संदेश देना चाहता हूं कि नशों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें और खेलों से जुड़ें, और इसमें बहुत सुनहरा भविष्य है। जैसा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में मैं यही बताना चाहता हूं कि बहुत टैलेंट छुपा हुआ है इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, और जो हमारे रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी जैसे खेल जो जिनमें कम खर्चा होता है और इस तरह से एथलेटिक्स है, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, इनमें जुड़े हैं। ये चैनल के लिए बंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।